हेलो एवरीवन होप आप सब ठीक हैं तो आज फिर से हम अपनी एक्सेल सीरीज़ में एक नए फार्मूले को इनफैक्ट दो नए फार्मूलेज़ को सीखेंगे उनका नाम है काउंट काउंटफ़ एस तो डेटा आपके सामने हैं कुछ नाम हैं स्कूल के स्टूडेंट्स के उनका एज है उनका जेंडर है सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं और टोटल स्कोर है सिचुएशन ये है अगर आप इनपुट टेबल में ध्यान दें सिचुएशन ये है हमें काउंट निकालना है इस टेबल में से एज के बेस में या जेंडर के बेस में या उनके टोटल स्कोर के बेस पे तो किस तरीके से निकाला जाएगा वी शुड यूज अ फार्मूला दैट इज अ काउंट काउंटेड फार्मूला तो वो हम स्टार्ट करते हैं कुछ रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट कर रखे हैं तो इनको मैं डिलीट कर देता हूं इस टेबल से तो स्टार्ट करते हैं एज का क्राइटेरिया अगर लेते हैं हमारा इनपुट एज है मुझे काउंट उस टेबल में करना है आई वांट टू काउंट कितने लोग या कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज ग्रेटर देन फोर्टीन है तो अगर उस फार्मूला क्या बोलते हैं काउंटेफ आई हैव टू सेलेक्ट द रेंज रेंज मेरी है एज F4 प्रेस करेंगे कॉमा देन इट इज़ आस्किंग फॉर क्राइटीरिया क्राइटीरिया मीन्स मुझे किस बेसिस पे कितनी चीज़ों को फिल्टर करना है मुझे exactly क्या काउंट करना है इस रेंज में मैंने रेंज में काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स की एज ग्रेटर देन फोटीन है तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा जो मेरा क्राइटीरिया है और एंटर प्रेस करूँगा तो रिज़ल्ट मेरे सामने आया आठ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज ग्रेटर देन फोटीन है तो इट इज़ वेरी इजी नाउ अगर आप इसे चेंज करते हैं टू ट्वेल्व एंटर करते हैं थर्टीन स्टूडेंट्स आप कुछ भी कर सकते हैं एग्जैक्ट अगर कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज इक्वल टू ट्वेल्व है तो हम वो ग्रेटर देन का साइन रिमूव करेंगे देन देर आर टू स्टूडेंट्स आप देखेंगे ट्वेल्व में एक ये हैं एक ये स्टूडेंट हैं ओके तो ओरिजिनल जो वैल्यू थी लेट्स ट वेल यू बैक ग्रेटर देन फोटीन नाओ कमिंग टू जेंडर अगेन जो नेक्स्ट क्राइटीरिया है मुझे काउंट करना है डेटा में जेंडर के बेस पर कितने मेल हैं या कितने फीमेल हैं अभी जो मेरा क्राइटीरिया है वो मैंने फीमेल का डाला हुआ है तो मैं फार्मूला को फिर से स्टार्ट करूँगा काउंटेफ देन प्रेस द टैब बटन रेंज कौन सी रेंज में मुझे काउंट करना है रेंज मीन्स कौन सी रेंज में मुझे काउंट करना है वो रेंज मैं सेलेक्ट करूँगा उसको फ्रीज करूँगा एफ फोर बटन प्रेस करने के बाद कॉमा क्राइटेरिया क्या है मुझे उस रेंज में फीमेल का काउंट फीमेल्स uh, को काउंट करना है तो मैं ये वाला क्राइटीरिया मैंने यहाँ पर रखा हुआ है फीमेल फीमेल को टाइप किया या पहले से वो टाइप है सेलेक्ट किया प्रेंस एंटर अगर मैं इसी रेंज में अगर मेल को करता हूं सिलेक्ट देन एट टोटल फिफ्टीन लाइन आइटम्स हैं जिसमें सेवन फीमेल हैं और एट मेल हैं तो लेट्स पुट बैक ओरिजिनल वैल्यू जहां से हमने एग्जाम्पल को स्टार्ट किया था सिमिलरली अगर अब स्कोर की बारी आती है सेम वेज स्कोर मेरे को काउंट करना है कितने स्टूडेंट्स का स्कोर ग्रेटर देन 240 है स्कोर यहां पे है 240 मेरे को काउंट करना है आपको फार्मूला आ चुका है मेरे साथ साथ आप रिपीट करेंगे काउंट एफ रेंज प्रेस एफ बटन कॉमा दिस इज माय क्राइटेरिया प्रेस एंटर तो 14 स्टूडेंट्स आर देयर जिनका स्कोर टू फोर्टी या अबव है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको करना है से फॉर एग्जांपल टू फिफ्टी देन इट विल कम टू इलेवन तो ये तो हुआ हमारा सिंपल काउंट फार्मूला जहाँ पे मैं सिंगल क्राइटेरिया को सर्च कर पा रहा हूँ अगर मुझे एज के बेस में देखना था मैंने एज को लिया क्राइटेरिया जेंडर देखना था तो मैंने जेंडर को यहाँ पर क्राइटीरिया लिया स्कोर को लेना था तो मैंने स्कोर को लिया सिचुएशन कम्स कि अगर आपको बोला जाए कि कितने हमें कुछ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया उस पर काम करना है जहाँ एज ग्रेटर देन फोर्टीन है और जेंडर वो फीमेल हो तो कितना काउंट होगा या दूसरा जैसे एग्ज़ाम्पल हमने दिया कि एज आपको लेना है साथ में उसका स्कोर का भी एक कंसिड्रेशन है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स का काउंट है जिनका एज फोर्टीन है फोर्टीन से बड़ा है और स्कोर वो टू फिफ्टी से ज्यादा कर रहे हैं और तीसरा आपने देखा मैंने तीन क्राइटेरिया सेलेक्ट किए हैं जहां ए जेंडर स्कोर तीनों को लिया गया है क्राइटेरिया में हम कुछ भी क्वेश्चन ले सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ग्रेटर देन फोर्टीन है इक्वल टू 14 है जब मल्टीपल क्राइटेरियाज की बात आती है देन वी हैव टू लुक फॉर अनदर फार्मूला जो काउंटिफ का एडवांस वर्जन है दैट इज काउंटिफ एस काउंट एस एस एड हो गया जो कि मल्टीपल क्राइटेरिया में हमें काउंट करने में हेल्पफुल रहता है तो कैसे वो वर्क करेगा एक बार स्टार्ट करते हैं अगेन इक्वल टू काउंट एस नाउ वी आर प्रेसिंग काउंटफ एस टैब को प्रेस किया पहला टैब आप देखेंगे क्राइटेरिया रेंज काउंट काउंटफ में क्या आया था क्राइटेरिया रेंज आया था यहाँ आया क्राइटेरिया रेंज वन क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो इसलिए उसने बोला क्राइटेरिया रेंज वन तो क्राइटेरिया रेंज वन क्या है मेरा एज है पहला क्राइटेरिया कि मुझे एज में करना है तो मैं एज को सेलेक्ट करूँगा एफ फोर प्रेस करूँगा कॉमा तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया क्या था मेरा एज था ग्रेटर देन फोर्टीन तो ये तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ इट विल गिव द सेम रिजल्ट जो काउंटफ में हमने किया था अब आप ध्यान देंगे नेक्स्ट अगर वो कॉमा के बाद अगर स्टार्टिंग हो रही है इट इज़ आस्किंग फॉर क्राइटेरिया रेंज टू नाउ दिस इज द मैजिक ऑफ दिस फार्मूला इट इज आस्किंग फॉर क्राइटेरिया रेंज टू वो अगला क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है तो हमारा अगला क्राइटेरिया क्या था यहाँ पे जेंडर था तो जेंडर वाला कॉलम सेलेक्ट हुआ एफ को प्रेस किया सेम वेज कॉमा क्राइटीरिया क्या था जेंडर का फीमेल था मेरे दो क्राइटेरिया थे मैंने दोनों को यहाँ पे पोटेंट कर लिया है मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा एंटर करूँगा सिक्स इज़ द रिज़ल्ट रिजल्ट क्या है काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका एज ग्रेटर देन फोर्टीन है और वो फीमेल है तो फीमेल्स जिनका एज फोर्टीन से ऊपर है तो एक बार उसको हम फिल्टर मैथड से देख लेते हैं पहले हम एक बार फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं और जिनका एज फोर्टीन से ऊपर है आप देखेंगे सबका एज एक्सेप्ट 10, थर्टीन फोर्टीन से ऊपर है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो आवर रिजल्ट इज मैचिंग हमारा रिजल्ट जो आया था एक बार वहां देखते हैं दैट वाज सिक्स ओके सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ आर्स वहां पे भी सेम है इस बार हमने कॉम्बिनेशन लिया है कि एज और स्कोर का स्टूडेंट्स का काउंट जिनका एज 14 से ज़्यादा है स्कोर टू फिफ्टी से अबव है तो वो कैसे हम करेंगे सेम मेथड काउंट एफ एस ब्रैकेट क्राइटेरिया फॉर द एज हमने रेंज को सिलेक्ट किया एफ फोर दबाया मेरा क्राइटेरिया क्या था एज होनी चाहिए ग्रेटर देन 14 मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया दूसरा क्राइटेरिया मेरे को क्या ढूंढना है स्कोर के अंदर ढूंढना है स्कोर कहाँ पे है वो यहाँ पे है F4 फोर प्रेस किया और स्कोर का क्राइटेरिया क्या था ग्रेटर देन 250 है प्रेस एंटर अगेन रिजल्ट सिक्स इसको वैलिडेट अगर आपने करना है तो लेट्स वैलिडेट कि एज हम लेते हैं ग्रेटर देन 14 तो 14 से ऊपर अगर हम लेते हैं तो 14 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ग्रेटर देन 14 है और को ग्रेटर देन 14 से ऊपर एज लेते हैं हम इट yes, डस और उसमें स्कोर लेना है मुझे 250 फिफ्टी एंड अबव टू से अब लेना है मुझे स्कोर हेयर ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो आवर रिजल्ट इज सिक्स हेयर करेक्ट नाउ कमिंग टू द फाइनल एग्जाम्पल ऑफ आर्स इसमें हमने तीन क्राइटेरिया ले रखे हैं अगेन एज एफ फोर कॉमा क्राइटीरिया इज़ एज कॉमा नाव दूसरा था जेंडर मुझे लेना है जेंडर मैंने वहाँ फीमेल सेलेक्ट किया है आपको अगर मेल वहाँ पर जेंडर बोला जाए तो आप मेल सेलेक्ट कर सकते हो नाओ कमिंग टू द थर्ड क्राइटीरिया आप देख रहे हैं वो क्राइटीरियाज बढ़ते जा रहे हैं तो जितने आपको क्राइटीरियाज लगाने हैं यू कैन पुट ऑल दोज क्राइटीरियाज़ जितना आपको फिल्ट्रेशन करना है अब तीसरा आ गया मेरा स्कोर का क्राइटेरिया तो मैंने स्कोर को भी यहाँ पे ले लिया है एफ फोर प्रेस किया एंड रिजल्ट इज फाइव तो अगर आप यहाँ पे मेल चेंज करेंगे तो जेंडर में चेंज आएगा और आपने जेंडर जहाँ जहाँ लिया वहाँ पे चेंज आएगा यहाँ पहले सिक्स रिजल्ट था इधर चेंजेस आएंगे तो आपका फार्मूला ऑटोमेट हो गया स्कोर अगर आप चेंज करते हैं टू सिक्सटी फाइव रिजल्ट्स विल कीप ऑन चेंजिंग तो ऐसा कोई यहाँ पे ग्रेटर देन फोर्टीन का स्टूडेंट नहीं है जिसका स्कोर टू सिक्सटी फाइव हो तो इसलिए वो आया तो इसको स्कोर को एक बार थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं या एज को चेंज कर लेते हैं लेट्स टेल्व uh, तो हमारे पास दो स्टूडेंट आ गए हैं जिनका एज ट्वेल्व ईयर्स से ज़्यादा है और उनका स्कोर टू सिक्सटी फाइव से किया है सो इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़ काउंट एफ को आपको वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपका एक सिंगल क्राइटीरिया है काउंट एफ एस को वहाँ यूज़ करना है जहाँ आपके मल्टीपल क्राइटीरियाज हैं और आपको डेटा को फिल्टर करके काउंट करना है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आपको और ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए जिससे ऐसे वीडियोज़ आते रहें और आपको क्या नया सीखना है कौन सा नया फार्मूला में आप इंटरेस्टेड हैं जो आपको सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आप देखते रहिए और अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए थैंक यू वेरी मच